हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी, जिसको हम हिंदी में सातत्य कहते हैं। तो सातत्य का एक पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिक फंडामेंटल क्लियर किया था। आज का जो मेरा सेशन है कंटिन्यूटी पर, वो कम्प्लीटली कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को लेके हैं और कॉम्पिटिटिव को टच करते हुए है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनमें पॉइंट्स नहीं दिया रहता, जिसमें बिंदु नहीं दिया रहता कि इस बिंदु पर आप चेक करो, सीधा उसको कंटिन्यूटी चेक करना होता है या पॉइंट फाइंड करना होता है कि किस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है। ये इसका दूसरा पैटर्न है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इसका मतलब क्या हुआ? सतत फलनों का बीजगणित। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई फंक्शन जब सतत होता है तो बीजगणितीय रूप से वह किस प्रकार से बिहेव करता है, यह आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लर्न करके याद रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने सपोज कर लिया, इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास दो फलन हैं, एक है एफ, एक एफ है और दूसरा है जी, ठीक है। एफ और जी टू कंटिन्यूअस फंक्शन है और इस कंटिन्यूअस फंक्शन के बिहेवियर को हम एलजेब्रिक देखते हैं कि किस प्रकार का ये बिहेवियर रखता है, क्लियर। तो चलो देखो, f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, देन इट्स प्रॉपर्टीज, फर्स्ट f प्लस g इज कंटिन्यूअस। अब इसको हिंदी में समझ रहे हैं ना कि सतत कह रहे हैं उसको, ठीक है। तो यदि f और g कंटिन्यूअस हो तो दोनों का योग भी क्या होता है? सतत होता है। ये प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखना है, बीजगणितीय प्रॉपर्टी उसकी। दूसरा, f माइनस g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तीसरा, f इंटू g भी कंटिन्यूअस होगा। और चौथा, f अपन, बहुत आसान बात है लेकिन ये ध्यान में रखना, ये प्रॉपर्टी आपको कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, क्लियर। तो यदि दो फंक्शन f और g क्या है? सतत हैं, तो उनका योग, उनका अंतर, उनका गुणा, उनका भाग भी क्या होता है? सतत होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 1/f एंड 1/g इज आल्सो कंटिन्यूअस, मतलब उनका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम भी क्या होगा? सतत होगा। सिक्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये यदि हम कोई कांस्टेंट अल्फा मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा इंटू एफ भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर अल्फा क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। कहने का मतलब है कि किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में यदि हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। ये क्या काम आएगा आपको? जैसे मान लो दो स्वतंत्र फलन दिया हुआ है, f और g, इनकी कंटिन्यूटी चेक करना है और आपको बोलेगा कि f प्लस g का कंटिन्यूटी चेक करो, तो यदि दोनों सतत हैं तो उनका योग भी क्या होगा? सतत होगा। तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे, क्लियर। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और देखो। हाँ देखिए, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हमेशा सतत होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस। मतलब इन फलनों का देखो, ये जितना भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत हेल्पफुल है। आगे जब मैं आपको आईआईटी जेई के लिए क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो सम फंक्शन, कुछ फलन, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, सदैव सतत। ये जो फलन मैं बता रहा हूँ ये हमेशा सतत होंगे, इनका आप लिस्ट बना के रखो। मतलब यदि आपको पता चल जाए कि ये फलन ये है तो आप उसको चेक करने की जरूरत नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तुरंत लिख दोगे कि क्या है, वो सतत है। फर्स्ट पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल फलन मतलब बहुपद फलन, बहुपद फलन हमेशा सतत होता है। दूसरा, कांस्टेंट फंक्शन मतलब अचर फलन, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, इसको आपको चेक करने का
ज़रूरत नहीं है। इनका मैं आपको पूरा लिस्ट बना देता हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन को अपन बोलते हैं क्या, तत्समक फलन, तत्समक फलन। फोर्थ रेशनल फंक्शन मतलब परिमेय फलन। बाद में कंटिन्यूटी के साथ में मैं आपको और इसके संबंध बताऊंगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। साइन कास और टेन तीनों, साइन फंक्शन, कास फंक्शन और टेन फंक्शन, और इसके रेसिप्रोकल तो होंगे ही। तो ये तीनों बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो ये कुछ फंक्शन है जो ऑलवेज क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। मतलब इन फंक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं। यदि यह प्योर फंक्शन है, सपोज कोई प्योर कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस ही होगा, प्योर कोई पॉलीनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा। तो इन बातों का आप ध्यान में रखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के बेस पर अपन देखते हैं कि किस तरह से हम इसके कंटिन्यूटी नेचर को चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन कुछ इस तरह का क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ जो यूनिक है। फर्स्ट पार्ट में जो बताया था उसमें किसी पॉइंट को लेकर कंटिन्यूटी चेक करना होता था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। सो दैट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, सो दैट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमको दिखाना है वो क्या है, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। दैट मीन्स क्या करना है अपने को, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उसको बताना है कि वह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या की, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, के लिए वह सतत है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन आ गया आपको समझ में। हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई लिमिट विमिट कोई उसका पॉइंट कहीं कुछ नहीं दिया, और बोलता है कि उस फंक्शन को हर रियल नंबर के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए वह सतत है हमको दिखाना है, क्लियर। तो सबसे पहले अपन मान लेंगे लेट एक्स इक्वल टू ए इज रियल नंबर। बस दो लाइन का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं और आपको ध्यान में भी रखना है इसको कि फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वर्ग फलन है, और ये एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए हमेशा क्या होगा, सतत होगा। तो एक्स इक्वल टू ए के लिए यदि हम इसको देखें तो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू यदि यहाँ पर रख दिया जाए तो ए स्क्वायर आएगा, और जो कि क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। फर्स्ट एक लाइन का टेस्ट है, कुछ नहीं है। दूसरा यदि हम इसका राइट हैंड लिमिट को देखें तो राइट हैंड लिमिट में अपन क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, ये करेंगे। दैट इक्वल, अब इस वैल्यू के यहाँ पर हम पुट अप कर दें तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एच, ए प्लस एच का होल स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ ए प्लस जीरो, फंक्शन ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल टू यदि यहाँ पर हम लिमिट को टेंस कर दें तो ए का स्क्वायर मिल जाएगा, ये हो गया एक ए स्क्वायर रिलेशन नंबर टू, जैसा हम लास्ट टाइम किए थे। और इसके बाद माइनस थ्री देखें अपन तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट अप कर दें तो वो हो जाएगा ए माइनस एच का होल स्क्वायर। अब एच टेंस टू जीरो करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रिलेशन नंबर थर्ड। और आपको पता है कि हर जो स्क्वायर नंबर है, जो भी वर्ग संख्या है, सबके सब क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो यहाँ से पता चल जाता है कि चूंकि फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये क्या है, वास्तविक संख्या है। अतः
एक्स के सभी वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो यहाँ एक कुछ बहुत स्पेशल कठिन नहीं है, सिर्फ हमको पैटर्न समझाना है कि यहाँ पर आपको कोई पॉइंट नहीं दिया, सीधा दे दिया वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, कंटिन्यूअस एट एवरी आर ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह से अपन उसको शो कर सकते हैं, क्लियर। तो ये बस लिखने के तरीका का आपको समझना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लेते हैं इसमें। आज मैं दो चार क्वेश्चन इस टाइप के करा दूं ताकि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाए। वैसे बोर्ड एग्जाम में जो मैंने फर्स्ट पैटर्न बताया था उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये जो पैटर्न है बेसिकली कॉम्पिटिटिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको थ्योरम पैटर्न पर कोई क्वेश्चन दे देगा और आपको चार मल्टीपल चॉइस में आपको पूछेगा कि किस तरह का बिहेवियर है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अपन। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, डिस्कस द कंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी। डिस्कस करना है कंटिन्यूटी पर, मतलब उस पर डिस्कस करना मतलब बताना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। कहां पर डिस्कस द कंटिन्यूटी, फंक्शन ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो हमको गिवन है, एक दिया है x plus 2 व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एंड नाउ सेकंड इज x minus 2 व्हेन x इज लेस देन 1, और यहाँ पर हमको पॉइंट्स नहीं दिया, क्लियर। इसमें पॉइंट्स नहीं देगा, इस सिचुएशन को लेके आपको चेक करना है। वैसे यहाँ पर x इक्वल टू 1 मतलब आप समझ गए, x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, क्लियर। लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन के अकॉर्डिंग हमको फंक्शन को अलग अलग तरीके से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो अपन सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट में देखें, ये x इज लेस देन वन के लिए अपन देखें, तो x इज लेस देन 1 में ये आएगा x plus 2 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम x इज लेस देन 1 के लिए इसको चेक करें तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 plus h। यहाँ पर देखो, हम सीधा a के लिए चेक करने के बजाय हम यहाँ पर एक रियल नंबर सपोज कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू a इज ए रियल नंबर। सबसे पहले हम किसी रियल नंबर के लिए इसको बताएंगे, तो एक्स लेस देन ए के लिए अपन इसको चेक करें, तो यहाँ पर फिर अपने को एस टेंस टू लेने की जरूरत नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू ए यदि एक्स की ओर टेंस करें, तो यहाँ पर देखो लेस देन हो तो लेस देन के कंडीशन में एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस टू, क्लियर। दैट इक्वल, अब यदि हम एक्स टेंस टू ए कर दें तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए प्लस टू, और फंक्शन ऑफ ए प्लस टू, यहाँ पर ए प्लस टू लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ ए प्लस टू, दैट मीन्स ए प्लस टू। ये हो गया ए प्लस टू का वैल्यू एक्स प्लस टू के लिए। यहाँ पर देखिए, जब एक्स लेस देन वन हो तो ये वाले फंक्शन को आपको सेलेक्ट करना है इस कंडीशन में, और फंक्शन इसको हमको बताने का जरूरत नहीं है, सीधा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस टू, माने हमको एक रियल नंबर के लिए इसका वैल्यू बताना है। इसी तरह से यदि हम केस सेकंड में यदि हम एक्स इज ग्रेटर देन ए कह दें, मतलब इस कंडीशन को ले लें, एक्स इज लेस देन दिया है ना, सॉरी ये ग्रेटर देन वन है, ये गलत लिख लिया था मैंने, ग्रेटर देन। तो सेकंड कंडीशन में यदि एक्स ग्रेटर देन ए ले रियल नंबर को, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, और उस कंडीशन में हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये अब यूज़ करेंगे x माइनस टू, और लिमिट टेंस करेंगे तो हो जाएगा a माइनस टू। इस प्रकार से यहाँ पर देखो, ये a प्लस टू और a माइनस टू दोनों लिमिट प्राप्त हो गए अपने को। अब हम यदि यहाँ पर दोनों वैल्यू में डिस्कस करें, तो आप यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू अपने को मिला है a प्लस टू, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, x प्लस टू, तो a प्लस टू को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ a लिख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर देखो a माइनस टू, यदि मैं यहाँ पर a पुट करूँ तो इसको मैं a माइनस टू लिख सकता हूँ, तो a इसको भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ a। देयरफॉर ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वह राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गए, बोथ आर फंक्शन ऑफ a, तो यहाँ पर a क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। मतलब यहाँ पर हम ये शो करेंगे
कि यदि x कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, तो उसके लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ऐसे भी पॉलीनोमियल फंक्शन है, दिखाने की जरूरत नहीं है, पॉलीनोमियल फंक्शन ये भी, ये भी बहुपद फलन है, लेकिन शो तो करना होता है कि किस प्रकार से दिखाना है करके, ठीक है। ये शो करने का ही तो बस चक्कर है इसमें कि कैसे लिखेंगे। अब केस थर्ड देखो, केस थर्ड में हम इसके एग्जैक्ट वन वैल्यू के लिए अपन इसको चेक करें, तो x इक्वल टू वन के लिए, तो इसका कंटिन्यूटी हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे फंक्शन ऑफ वन, फंक्शन ऑफ वन निकालें तो इक्वल टू वन के लिए यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं वन लिख रहा हूँ, तो वन प्लस टू, वन प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री। इसके बाद यदि हम फंक्शन ऑफ वन प्लस जीरो निकालना चाहें, तो लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस एच, दैट मीन्स यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, वन, तो वन प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि हम कौन सा वैल्यू पुट अप करेंगे, मतलब वन से ज़्यादा, तो x से ग्रेटर के लिए वाला वैल्यू पुट करेंगे अपन। यहाँ पर जो इसका वैल्यू है वह वन प्लस एच है, x से ज़्यादा है, तो x इज ग्रेटर देन वन, ये पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम उसको लिख कहेंगे x के जगह में क्या लिख लेंगे अपन, वन प्लस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो वन प्लस एच, ये वन प्लस एच और माइनस टू, दैट इक्वल, आगे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर ये एच के साथ माइनस, इस वन के साथ माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस वन, एच टेंस टू जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया माइनस वन। कोई भी आप रिलेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए सपोज, या इसको हमने रिलेशन नंबर फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दे दिया। अब निकालेंगे फंक्शन ऑफ वन माइनस जीरो, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ वन माइनस एच, वन माइनस एच, वन माइनस एच का मतलब हुआ वन से छोटा, तो एक्स इज लेस देन वन, ये वाला कंडीशन को लेंगे एक्स प्लस टू का। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप कर दें, एक्स मतलब वन माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे वन माइनस एच और प्लस टू, यहाँ पर एस टेंस टू जीरो करें तो क्या हो जाएगा, थ्री, रिलेशन नंबर थ्री। अब यहाँ पर आप नेचुरली देख रहे हो कि फंक्शन ऑफ वन इक्वल टू फंक्शन ऑफ वन प्लस जीरो इक्वल टू फंक्शन ऑफ वन माइनस जीरो, जिसमें ये थ्री है और वो क्या आ गया माइनस वन, ये नॉट इक्वल टू है, अतः क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको पूछा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी पर डिस्कस करो, तो हमने दो तरह का रिजल्ट यहाँ पर निकाला, क्या कि यदि x कोई रियल नंबर है, x इक्वल टू यदि कोई वास्तविक संख्या है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि हम पर्टिकुलर वन के लिए चेक करें, यदि इस फंक्शन को x इक्वल टू वन के लिए चेक करें, तो x इक्वल टू वन के लिए क्या है, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हमको क्या है, डिस्कशन करके बताना है कि किस किस पॉइंट के लिए वो कंटिन्यूअस, किस के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं देगा और क्वेश्चन पर कंप्लीटली आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, क्लियर। चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके चलिए अब हम एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं। देखिए ये बहुत रीजनिंग है, लॉजिकल है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो बिहेवियर होता है उसके बेस पर भी हमको यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही है, डिस्कस या टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, दिए गए फलन का कंटिन्यूटी चेक करो। और फंक्शन है अपने पास यहाँ पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये है महत्तम पूर्णांक फलन, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ध्यान रखना। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इसको हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम दो केस इसके लिए बनाते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, इफ a इज नॉट एन इंटीजर, मतलब वो क्या है, पूर्णांक नहीं है, और यदि वो पूर्णांक नहीं है उस कंडीशन में हम इसको यदि सॉल्व करें तो फंक्शन ऑफ a इक्वल टू यदि हम निकालना चाहें तो हो जाएगा a, और इसका जो वैल्यू होगा वो इसको टेंस करें अपन, यदि इसका वैल्यू को a पुट करें तो यहाँ पर हमको a मिलेगा, और जो कि हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जो वैल्यू निकलता है वह क्या हो जाता है,
पूर्णांक हो जाता है। तो सपोज ये एक पूर्णांक नहीं है, ए एक पूर्णांक नहीं है, तो फंक्शन ऑफ ए यदि हम इसके अकॉर्डिंग निकालें, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ इसको ए लिख सकते हैं, तो पूर्णांक होगा। और चूंकि हर संख्या उसको उसी तरह से पूर्णांक आएगा, जैसे 1.3 ले लिए तो 1 आएगा, 1.2 ले लिए तब भी 1 आएगा, 1.7 ले लिए तब भी 1 आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह सतत होगा, यह सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो वह किसी भी एक पूर्णांक के लिए, जो पूर्णांक नहीं उसके लिए सतत होगा। लेकिन सपोज वह एक पूर्णांक हो, ठीक है, केस सेकंड में अपन लेते हैं कि सपोज ए इज एन इंटीजर, सपोज क्या है, वह पूर्णांक है। अब हम पूर्णांक ले लिए तो उसके दो कंडीशन निकालेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट यदि हम इसका निकालें तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ, सपोज हमने एक वैल्यू ले लिया a प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा लिमिट s टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस जीरो तो हो जाएगा a प्लस एच इस तरह से, दैट इक्वल इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम अप्लाई करें यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं अपन लिमिट h टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन वाला पॉइंट है कि यहाँ पर ये जो a प्लस एच है, a प्लस एच, और यहाँ पर a क्या है, एक इंटीजर है, a तो ऑलरेडी एक इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पर तो वो क्या है, इंटीजर नहीं था, इसलिए हमने उसको इंटीजर बना दिया क्योंकि बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर a ऑलरेडी पूर्णांक है, और पूर्णांक के साथ एक छोटी सी राशि का क्या हुआ है, ऐड हुआ है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो आप समझो कि, और h भी क्या है, टेंस टू जीरो है, मतलब एक से छोटी राशि है। तो एक एग्जांपल दिया, मान लो मैं a का वैल्यू 3 है और 3 प्लस मान लो 0.5 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है उससे छोटा पूर्णांक। क्लियर, सबसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ये फंक्शन का। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तब इसका वैल्यू हो जाएगा a, ये सपोज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि हम इसको देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका देखें लेफ्ट हैंड लिमिट यदि ये निकाला जाए तो उसको हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ a माइनस जीरो, लेफ्ट हैंड है इसलिए, इक्वल टू लिमिट s टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस एच, दैट इक्वल लिमिट s टेंस टू जीरो। अब इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखेंगे a माइनस एच। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, a माइनस एच, a माइनस एच का मतलब क्या हुआ, a तो पूर्णांक है और पूर्णांक में से कुछ घटेगा, यदि पूर्णांक में से कुछ घटेगा तो जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि 3 और माइनस 0.5, तो 3 माइनस 0.5 का मतलब हो जाएगा 2.5, और 2.5 का मतलब जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा तो कितना होगा, 2, माने 3 में क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। इस तरह से इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा a माइनस 1, यहाँ पर इसका वैल्यू a आएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू a माइनस 1 आएगा। क्लियर, a प्लस 0 के लिए। और यदि हम उसका डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता हूँ, फंक्शन ऑफ a इक्वल टू, मान लो आपको फंक्शन ऑफ a निकालना है, तीनों वैल्यू अपन निकाल देते हैं, तो फंक्शन ऑफ a निकालोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर पुट होगा a, और यहाँ पर ध्यान देना कि ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, और वह पूर्णांक है स्वयं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 3, ये पूर्णांक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी a आएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि a का एक वैल्यू a आ रहा है, दूसरा भी a आ रहा है, लेकिन तीसरा वैल्यू क्या आ रहा है, a माइनस 1, देयरफॉर यहाँ पर क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ एक बहुत अच्छा लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आते हैं कि यदि फंक्शन ऑफ x एक महत्तम पूर्णांक फलन है, तो वह यदि a कोई रियल नंबर है और वो पूर्णांक नहीं है तो उसके लिए सतत है, और यदि a एक पूर्णांक है तो उसके लिए क्या है, असतत है। क्लियर, तो ये एक तरह से जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एक फैक्ट है, थ्योरम की तरह है वो, तो उसको ध्यान समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और थोड़ा सा अपने दिमाग से समझने की कोशिश करना, ले लिया। अब देखो, अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन CBSE में कई बार पूछा जा चुके हैं, इस क्वेश्चन का सेंस भी बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। और ये रेयर क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ये हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस थ्री, पहला केस। दूसरा केस है माइनस टू एक्स, और इसके लिए कंडीशन है माइनस थ्री से थ्री के बीच, माइनस थ्री इज लेस देन एक्स इज लेस देन थ्री। बेस्ट क्वेश्चन है थ्री की कंडीशन। इस अकेले क्वेश्चन से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिक्स एक्स प्लस टू, और इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री। ये आप, ये क्वेश्चन है हमारा, और हमको यहाँ पर करना है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के फाइंड पॉइंट हमको चेक करना है इसी के अंदर में, कि वहाँ पर कंटिन्यूस है, कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। तो एक एक करके हम इसके कंडीशन को देखते जाते हैं। फर्स्ट केस इफ ये लेते हैं x इक्वल टू माइनस थ्री। यदि हम x इक्वल टू माइनस थ्री लें, मतलब सबसे पहले मैंने इस केस को लिया x इक्वल टू माइनस थ्री को, तो x इक्वल टू माइनस थ्री यदि रख दिया जाए, तो यहाँ पर देखो हमारा जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम उसे वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस थ्री प्लस थ्री, और इक्वल टू हो जाएगा थ्री प्लस थ्री, मतलब ये हो गया सिक्स, रिलेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि माइनस थ्री मार्ट से बाहर निकलेगा तो प्लस थ्री होगा, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया। अब हम देखें, ये मैंने इसको फर्स्ट केस किया। अब फंक्शन आप माइनस थ्री प्लस जीरो, लिखने के तरीके को आप समझते जाइए, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन आप माइनस थ्री प्लस एच। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर माइनस थ्री प्लस एच, माइनस थ्री प्लस एच का मतलब क्या हुआ, माइनस थ्री से थोड़ा ज़्यादा, तो माइनस थ्री और थ्री के बीच में एक्स का जो फंक्शन है वो क्या है, माइनस टू एक्स है। तो यहाँ पर वैल्यू अपन पुट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू, और एक्स के जगह में ये वैल्यू पुट अप होगा माइनस थ्री प्लस एच, दैट इक्वल, यहाँ पर अब एच टेंस टू जीरो कर दें तो माइनस थ्री इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा, सिक्स, दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। तो ये इसके लिए भी सिक्स आ गया। अब हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ माइनस थ्री माइनस जीरो, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ माइनस थ्री माइनस एच। यहाँ फंक्शन सेलेक्ट करना ही इंपॉर्टेंट बात है। माइनस थ्री माइनस एच का मतलब क्या हुआ, माइनस थ्री में कोई चीज़ घट रहा है, माइनस थ्री से छोटा हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये तीनों में से कौन सा अप्लाई होगा, ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो फंक्शन का जो वैल्यू है माइनस थ्री से छोटा है, मतलब माइनस थ्री से छोटा है, माइनस थ्री माइनस एच, मतलब एक्स ग्रेटर देन थ्री, फंक्शन ऑफ माइनस थ्री माइनस एच माने माइनस थ्री से छोटा, माइनस थ्री से बड़ा नहीं, तो माइनस थ्री से छोटा क्वांटिटी सब इसमें आएगा। क्यों, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री, एक्स क्या है, तीन से बड़ा है, तो माइनस थ्री से माइनस एच इस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट अप कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो सिक्स, सिक्स ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस एच प्लस टू, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो करें तो यहाँ पर हम इसको जीरो कर दें तो ये हो जाएगा सिक्स है ना, सिक्स एक्स माइनस थ्री माइनस एच, क्लियर। तो एच का वैल्यू टेंस को जीरो करें तो छः दिया अट्ठारह, माइनस एट्टीन प्लस टू, माइनस एट्टीन प्लस टू, दैट इक्वल यहाँ पर एच टेंस टू जीरो करें तो माइनस थ्री का मार्ट से हो जाएगा थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, दिस इज रिलेशन नंबर थ्री। अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो चूंकि फंक्शन ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस थ्री प्लस जीरो इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस थ्री माइनस जीरो इक्वल टू सिक्स, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर यह प्रूफ हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो माइनस थ्री के लिए क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री है, उसके लिए फंक्शन को हमने क्या प्रूफ कर दिया, कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया। अब हम चले आते हैं इसके लिए, सेम कंडीशन हम इसके लिए अप्लाई करें स्टार्टिंग से,
मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर हम सिमिलरली इसके लिए भी यही बात चेक करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, केस नंबर टू, इफ एक्स इक्वल टू थ्री, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दें, फंक्शन ऑफ थ्री इक्वल टू, तो फंक्शन ऑफ थ्री यहां पर अपन पुट अप करेंगे, सिक्स इंटू थ्री प्लस टू, तो ये कितना हो गया 20, रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब प्लस के लिए करेंगे तो फंक्शन ऑफ थ्री प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ थ्री प्लस एच। अब थ्री प्लस एच मतलब तीन से ज़्यादा, तो ये तीन से ज़्यादा है जो मैं यहाँ पर पुट अप कर रहा था, ये तीन से ज़्यादा है क्योंकि एक्स ग्रेटर देन थ्री है, तो यहाँ पर पुट अप होगा वो, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये सिक्स, ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन थ्री प्लस एच प्लस टू दैट इक्वल, लिमिट पुट करें तो ये जीरो हो जाएगा, छः अठारह दो बीस, यहाँ पर भी बीस आ गया, रिलेशन नंबर टू। अब हम किसके लिए करें, माइनस के लिए, तो अगेन फंक्शन ऑफ थ्री माइनस जीरो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ थ्री माइनस एच, और थ्री माइनस एच का मतलब तीन से छोटा, तो तीन से छोटा ये है मतलब माइनस थ्री और थ्री के बीच मतलब तीन से छोटा ये होगा, तो माइनस टू, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू और ये थ्री माइनस एच। बस अब लिमिट को टेंस करें यहाँ पर, एच टेंस टू जीरो होगा तो हो गया माइनस सिक्स, तो देयर फॉर यहाँ पर देखो इसका वैल्यू अलग आ गया, ये तो 20 आया, ये भी 20 आया, लेकिन ये माइनस सिक्स आ गया, तो चूंकि फंक्शन ऑफ थ्री इक्वल टू फंक्शन ऑफ थ्री प्लस जीरो इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ थ्री माइनस जीरो, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, इस तरह से फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन वाले क्वेश्चन हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया रहेगा, दो दो तीन 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 से भी ज़्यादा केस हो सकते हैं, चार केस हो सकते हैं, और आपको इस केस के अकॉर्डिंग, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चेक करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें दो आंसर आया कि x इक्वल टू माइनस थ्री के लिए ये कंटिन्यूस है और x इक्वल टू थ्री के लिए क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। इस तरह से मल्टीपल चॉइस में भी आता है क्वेश्चन, तो ऑप्शन में लिखा रहता है किसके लिए कंटिन्यूअस है किसके लिए नहीं है, और कभी दोनों को कंबाइन करके। क्लियर? तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ले लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, और ये क्वेश्चन, ये जो मैं अभी बताया वही सेम पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये दोनों क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन है और अच्छे से तैयार करना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव कब, जब एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू टू, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू टू, नेक्स्ट इज एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इफ टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन टेन, सेम क्वेश्चन है बस पैटर्न अलग है, और यहाँ है 21 इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू टू, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टेन, सॉरी ये, और ये फलन क्या है, सतत है, तो यहाँ पर हमको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये यदि फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, अभी तक हम फलन का कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, अब हमको क्या बोल रहा है कि फलन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसमें यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ये दोनों वैल्यू को हमको फाइंड करना है यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान समझना, बनाने का तरीका सेम टू सेम वैसे ही होगा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या लेंगे, ये एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू टू यहाँ पर पुट करें, फंक्शन ऑफ टू, ऑलरेडी इसका क्वेश्चन वैल्यू दिया हुआ है वो फाइव,
क्योंकि इसने खुद दे दिया है 5, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर निकालेंगे फंक्शन ऑफ 2+0 इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2+h। अब ध्यान देना 2+h माने फंक्शन का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला पुट करेंगे क्योंकि 2 से 10 के बीच मतलब 2 से बड़ा यहाँ पर आएगा, तो ये वाला फंक्शन पुट होगा, तो ये हो जाएगा। बस यही पहचानना है और कुछ नहीं। ये a और x का वैल्यू 2+h और +b दैट इक्वल, यहाँ पर यदि हम लिमिट को पुटअप कर दें तो लिमिट पुटअप करेंगे 0 हो जाएगा, तो 2a+b, दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, चूंकि फंक्शन क्या है आप लिख दो कंटिन्यूअस है, तो तीसरा निकालने का जरूरत नहीं है। तो फंक्शन जब कंटिन्यूअस है तो ये इसके बराबर होगा, फंक्शन ऑफ 2 जो है फंक्शन ऑफ 2+0 के बराबर होगा, माइनस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस दिया है तो बराबर आएगा ही। तो क्या हो जाएगा, ए 2a+b = 5, दिस इज रिलेशन नंबर थर्ड। ये मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा समझ में आया आपको, क्योंकि फलन क्या है सतत है, तो सतत है तो तीसरा भी सेम आएगा, केस थर्ड, थर्ड कंडीशन निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं केस सेकंड, केस सेकंड में अपन लेते हैं ये इफ x = 10, यदि x = 10 लें तो फंक्शन ऑफ 10 इक्वल, देखो 10 रखने के पर वैल्यू कितना दिया है 21, ये हो गया 21 क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर भी हम निकाल लें फंक्शन ऑफ 10+0 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 10+h दैट इक्वल लिमिट s टेंस टू 0। अब फंक्शन ऑफ 10+h मतलब 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है, देखो फंक्शन ऑफ 10 से ज़्यादा मतलब यहाँ पर बिटवीन 2 to 10, तो 10+h का मतलब क्या होगा 10 से बड़ा, तो x का मान यहाँ पर क्या है 10 से बड़ा में हो तो बिटवीन 2 to 10 हो गया ना, 10+h। 10+h में एक प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर 10+h में ये नहीं आएगा क्योंकि 2 से 10 के बीच में है, 10+h मतलब 10 से अधिक, टेस्ट का वैल्यू 10 से अधिक यहाँ पर है जिसका वैल्यू 21 है, तो यहाँ पर भी हमको 21 लिखना पड़ेगा। देखो ये मैटर है, जैसे यहाँ पर मेरे को तीसरा नहीं निकालना पड़ा क्योंकि a और b में संबंध आ गया, यहाँ पर तो ये 10 के लिए भी 21 वैल्यू आ गया और 10+0 के लिए भी 20 है, तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा। यदि यहाँ पर ये नहीं आता तो तीसरा नहीं निकालना पड़ता, ठीक है, तो तीसरा भी निकालते हैं, फंक्शन ऑफ 10-0 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 10-h। अब 10 से छोटा, तो 10 से छोटा में ये वाला कंडीशन आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्योंकि ये भी 21 है भी 20 है, दोनों तो आपस में बराबर हो गए, ए और बी के बीच में संबंध मिला ही नहीं, इसलिए मैंने तीसरा निकाला। यहाँ क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच में संबंध मिल गया, नहीं मिलता तो यहाँ पर भी तीसरा निकालता। तो चलिए 10-h को यहाँ पर पुट करते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया a 10-h + b, लिमिट टेंस करेंगे तो 0 होगा, तो हो जाएगा 10a+b। और चूंकि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो देयर फॉर ये जो वैल्यू है वो 21 के बराबर होगा, मतलब 10a+b = 21, दिस इज रिलेशन नंबर 4, जो भी संबंध है। अब हमको क्या करना है, ये थर्ड और फोर्थ को आपस में सॉल्व करना है और ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम क्या करें, फोर में माइनस कर देते हैं किसको, थर्ड को, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा और 10 में 2 माइनस हो गया कितना हो जाएगा 8a, ये हो गया 8a, और 4 में 21 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस हुआ 20 और 4 16, तो a इक्वल टू 2। अब a के मान को कहीं पर भी रख दो, यहीं पर रख देते हैं, देयर फॉर फाइव, तो आप समझ गए इसमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, 2 × 2+b = 5, तो b इक्वल टू 1, ये हो गया इसका आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न बहुत बेस्ट है इसका, एक बार आप ध्यान देना कि इस तरह के क्वेश्चन में जब कोई वैल्यू को यहाँ पर पुट करके कंटिन्यूअस बता दे और वैल्यू फाइंड करने बोले, तो दो केस में आपको स्टडी करना है, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। यहाँ पर मैं 2+0 रखा तो ए और बी में रिलेशन आ गया, इसे तीसरा नहीं निकाला, यहाँ पर वो भी 21 आ गया, ये भी 21 आ गया, इसलिए मैंने इसको तीसरे के लिए निकाला, तो ए और बी के बीच में 2 संबंध मिलेगा, एक संबंध ये, दोनों संबंध को सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न का क्वेश्चन है,
तो आज के क्लास में जितना क्वेश्चन मैं आपको कंटिन्यूटी का बताया वो सब अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए, आपका कंटिन्यूटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये दो वीडियो में कंटिन्यूटी मैंने 100% आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंसिबिलिटी, मतलब अवकलनीयता। ओके, थैंक यू।